चैनल, मैं हूँ आपकी खुशबू खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खुशबू खान, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है। तो हाँ, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, तो हम बात कर लेते हैं मॉइस्चराइजर की, जो कि मुझे रिसीव हुआ है मामा अर्थ की तरफ से। ये है ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर और ये इसमें ना एप्पल साइडर विनेगर है। तो अगर हम बात करें इसकी पैकेजिंग की, तो ये इसकी पैकेजिंग काफी क्यूट है। बिलीव मी, इसकी पैकेजिंग देख के ना कोई भी फ्लैट हो सकता है, मतलब ये इतना खूबसूरत है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो चीज नहीं होना चाहिए उसके बारे में। तो इसमें पैराबेन एंड सिलिकॉन नहीं है, ये लाइट एंड नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है और ये नॉन कॉमेडोजेनिक है। ओह माय गॉड, मेरी ना यही प्रॉब्लम होती है कि मैं कोई भी मॉइस्चराइजर लेती हूँ ना, मुझे ना नॉन कॉमेडोजेनिक ही चाहिए होता है, और ये बिल्कुल वही है, क्योंकि ये एक्नी प्रोन स्किन के लिए खास करके बना है। अगर आपकी एक्नी है तो आप इस प्रोडक्ट को जरूर ट्राई कर सकते हैं। ये सिर्फ 299 रुपीज का आता है। आई एम किडिंग मी, यस, ये बिल्कुल 299 रुपीज का आता है। आप ना इसे इजिली अमेजन से परचेज कर सकते हैं। मैं ना इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको ना खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट जाके आप उस लिंक से परचेज कर सकते हैं। अभी आते हैं हम प्रोडक्ट की रिव्यू की तरफ। तो ये है, इसमें भी सेम पैकेज में जो था सेम डिजाइन इसमें भी दिया हुआ है, और ये इसका जो पैकेज है काफी स्मूथ है, और ये प्लास्टिक ट्यूब है, और ये फ्लिप फ्लॉप के ट्यूब पे आता है। अगर हम इसके फॉर्मूला की बात कर ले तो ये बिल्कुल वाइट टेक्सचर आता है, और इसका ना ये काफी रनी भी नहीं है और काफी थिक भी नहीं है, नॉर्मल में है। और इसका हम लोग इसे अगर कहाँ पे करूँ, यहाँ पे, अच्छा मैं यहाँ पे आपको इसको दिखाती हूँ, अप्लाई करके एप्लीकेशन करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसका जो स्मेल है वो बिल्कुल एप्पल साइडर विनेगर की तरह ही इसका स्मेल है। जी हाँ, इसके अगर हम प्रोस की बात कर ले तो ये आपकी स्किन को काफी अच्छा मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेटेड लगता है, ऑयली नहीं लगता है, जो कि हमारा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, ट्राई तो कर ही सकते हैं। और इसे आपको किस तरह लगाना है, आपको आपके फेस को पहले अपने धो लेना है अच्छे से, धोने के बाद जो क्लीन फेस हो जाएगा, आपको टोनर लगाने के बाद इसे यूज करना है। और ये मॉइस्चराइजर काफी अच्छा है, बिलीव में, अगर आपकी एक्ने स्किन है तो डेफिनेटली इसे यूज करें, आपको इससे कोई पिंपल नहीं होगा। आप इसे रात को भी यूज कर सकते हैं एज ए नाइट क्रीम, मैं तो भाई इसे रात में भी यूज करती हूँ, तो मुझे ना इसके साथ कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ। एंड आई एम सो हैप्पी दैट मामा अर्थ हैड सेंडेड मी दिस, थैंक यू। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, उन्होंने मुझसे नहीं कहा था कि वीडियो बनाओ, बट आई पर्सनली लाइक दिस एंड आई यूज इट। आप भी यूज करो, आप भी बोलोगे कि काफी अच्छा प्रोडक्ट है। तो इसके ना कॉन्स कुछ भी नहीं है, कौन सा ऐसा कुछ भी नहीं है, मॉइस्चराइजर है भाई, नॉर्मल सा, काफी अच्छा आपके स्किन के टाइप के हिसाब से, तो इसमें कोई भी कॉन्स नहीं है। प्रोस ही है, काफी अच्छा है, आपके स्किन को ना ऑयली लुक बिल्कुल नहीं देता है, इसे लगाने के बाद आपका स्किन जो है डार्क नहीं दिखता है। तो ये सारे कॉन्स इसमें है, और ये बिल्कुल अफोर्डेबल भी और ट्रैवल फ्रेंडली भी है। तो हाँ, ये था मेरा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तब तक मैं आपसे कहती हूँ अलविदा, फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय।